नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में। तो आज 8 जुलाई 2020 बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। तो संक्रमित मां के संपर्क में आने से 4 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव, खबर है जिला कांगड़ा से। मुंबई से लौटी कांगड़ा जिले के सेरा थाना की 33 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी। अब महिला की 4 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बेटी को कोविड केयर सेंटर डार शिफ्ट किया जा रहा है। अगली खबर है, हिमाचल में नहीं आ पाएंगे नियमों के जाल में उलझे सैलानी। हिमाचल की सीमाओं को भले ही सरकार ने सैलानियों के लिए खोल दिया है, लेकिन नियमों को इतना घुमावदार बना दिया है कि सैलानियों के लिए प्रदेश में आना आसान नहीं होगा। वर्तमान में सरकार ने केंद्र की सख्ती के चलते कोविड पास की व्यवस्था बंद कर सिर्फ कोविड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसी को भी प्रदेश के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण करवाना होगा, लेकिन सैलानी को हिमाचल प्रदेश में दाखिल होने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। और इस रिपोर्ट के नियम ऐसे हैं कि कोविड टेस्ट के 72 घंटे के भीतर पर्यटक को प्रदेश में दाखिल होना होगा। हिमाचल को छोड़कर अन्य ज्यादातर राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में मरीज के टेस्ट के लिए लंबी कतार लगी है। इसकी वजह से टेस्ट रिपोर्ट आने में 72 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। और नियम ऐसे हैं कि सैंपल देने के 72 घंटे के अंदर ही सैलानी को नेगेटिव रिपोर्ट हासिल भी करनी होगी और रजिस्ट्रेशन करवा कर प्रदेश की सीमा में दाखिल भी होना होगा। ऐसा न होने पर राज्य के भीतर नहीं आने दिया जा रहा है। अगली खबर है, कोरोना काल में हिमाचल के स्कूल बंद, 2200 शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने करवा लिया तबादला। साल भर तबादलों के बीच उलझे रहने वाले हिमाचल में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महकमा शिक्षा विभाग कोरोना संकट के बीच स्कूल बंद होने पर तबादले करने में पीछे नहीं रहा। 24 मार्च से 7 जुलाई तक शिक्षा विभाग में 2196 शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने स्कूल बदले हैं। करीब 3.25 महीने के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय में 1573 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 623 शिक्षकों ने तबादले करवाए हैं। अगली खबर है, नए भवन निर्माण के लिए भूमि कटाव पर रोक, सरकार ने बरसात के चलते लिया फैसला। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में नए भवन निर्माण के लिए भूमि कटाव पर रोक लगा दी गई है। बरसात के चलते पहाड़ी खिसकने का खतरा रहता है, ऐसे में सरकार ने बरसात तक भूमि कटाव न करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन का कटाव करता है तो उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। लोगों के भवन को खतरा न हो, बरसात के चलते हिमाचल में कई मकान ढह चुके हैं, इसे सबक लेते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, ये थी आज 8 जुलाई 2020 हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से ताज़ा खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।